हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज हमारा रिवीजन का चैप्टर 5 का ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। चैप्टर 5 थोड़ा बड़ा था, इसलिए दो वीडियो इसमें बनाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। तो कल हम लोग CCRT तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग तक, है ना। अब हम लोग जोनल कल्चर सेंटर के बारे में पढ़ने जाते हैं। तो जोनल कल्चर सेंटर का एम क्या है? टू अराउज अवेयरनेस ऑफ लोकल कल्चर एंड शो हाउ दिज मर्ज इनटू जोनल आइडेंटिटी। तो जोनल कल्चर सेंटर का मतलब क्या है कि एक खास एरिया में जो है किस तरीके से लोकल कल्चर को प्रमोट किया जाए, वहाँ के लोकल कल्चर को प्रमोट करना, वहाँ के रिच डाइवर्सिटी को प्रमोट करना जो है इसका मेन मकसद है। यहाँ इंडिया में 7 जोनल कल्चर है, याद रखिएगा। देर आर 7 जोनल कल्चर्स वेर एस्टेब्लिश अंडर दिस स्कीम ड्यूरिंग 1985-86। तो 85-86 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कौन कौन है? तो पटियाला, कोलकाता, तंजौर, उदयपुर, नागपुर, इलाहाबाद एंड दीमापुर। तो ये 5 है, पटियाला जो है, कोलकाता, तंजौर, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में है, नागपुर, अलाहाबाद एंड दीमापुर, दीमापुर नागालैंड में पड़ता है, ठीक है। तो मास्टर क्राफ्टमैन आर्टिसंस फ्रॉम वेरियस जोनल काउंसिल्स पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट फेयर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरियस रियल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म इन वन द मेन थ्रस्ट एरिया ऑफ JCC। तो कहा जोनल काउंसिल जो होते हैं उस एरिया के जो क्राफ्टमैन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है क्राफ्ट फेयर में, या फिर वहाँ का जो फोक और ट्राइबल आर्ट होता है उनका जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अंडर द नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो एक नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है NCEP, जिसके तहत आर्टिस्ट का एक्सचेंज होता है। और मतलब कि एक जोनल काउंसिल का आर्टिस्ट दूसरे स्टेट में परफॉर्म करते हैं, दूसरे वाले इस स्टेट में परफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके से कल्चर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सेंट्रल काउंसिल के बारे में, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर, तो इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, और इसका कंपोनेंट स्टेट कौन कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, तो इसका कंपोनेंट स्टेट कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, UP, उत्तराखंड, दिल्ली, ठीक है। उसे देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के में, तो इसमें पटियाला पंजाब आते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़, ये सब स्टेट आते हैं। उसी तरह से वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के बारे में देखते हैं, तो उदयपुर, राजस्थान, ठीक है, इसके तहत कौन आता है? तो गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखते हैं, तो दीमापुर, नागालैंड, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो इधर जो भी 8 स्टेट है, ठीक है, उसमें। ईस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में देखते हैं, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसमें आते हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम। तो बिहार जो है, बिहार इसमें जो है स्टेट पर नहीं जाइएगा, एक स्टेट का कुछ हिस्सा जो है इधर भी आ सकता है और दूसरे में भी आ सकता है, ठीक है। तो स्टेट के बाउंड्रीज इसका कोई लेना देना नहीं है उतना। साउथ सेंट्रल जोन के बारे में देखें तो तंजौर, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, और साउथ सेंट्रल जोन के ही अंदर ही नागपुर में भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 7 जो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि देर आर सेवन जोनल कल्चर सेंटर, ठीक है। अब देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनाउंस कब किया था? 2015 में किया गया था, 140th एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस ओकेजन पर किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू सेलिब्रेट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन, तो हमारे कंट्री में जितना डाइवर्सिटी है उसमें एक यूनिटी है, उसको सेलिब्रेट करना, एंड टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ ट्रेडिशनली एग्जिस्टिंग इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन पीपल ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के स्पिरिट को प्रमोट करना, ठीक है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के बारे में ज़्यादा अच्छे से जाने, इसको प्रमोट करना। टू शोकेस द रिच हेरिटेज एंड कल्चर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, तो इंडिया का जो रिच हेरिटेज है, इंडिया का जो कल्चर है, ट्रेडिशन, इसको शोकेस करना, ठीक है। टू एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट और टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट विच प्रमोट लर्निंग बिटवीन स्टेट, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कुछ सीखे, है ना, उसके एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयज के कल्चरल हेरिटेज के बारे में। द एम ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतन इंस्टीट्यूशन, एक बुद्धिस्ट तिब्बतन इंस्टीट्यूशन है, उसका एम क्या है? टू हेल्प प्रिजर्व, प्रोमोट एंड प्रोपगेट द इंटेंजिबल बुद्धिस्ट तिब्बतन हिमालयज कल्चर ऑफ द कंट्री, तो कंट्री का जो भी बुद्धिस्ट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोमोट करना भी। द ऑब्जेक्टिव द स्कीम इज टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय। द स्कीम वॉज रिवाइज इन 2011। एज पर द रिवाइज स्कीम द ग्रांट सॉल बी प्रोवाइडेड फॉर अंडरटेकिंग फॉलोइंग एक्टिविटी, तो रिवाइज स्कीम के अनुसार ये सब काम करने के लिए, ये सब एक्टिविटी करने के लिए सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा, मतलब फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा। तो जैसे स्टडी एंड रिसर्च ऑन कल्चरल हेरिटेज, प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, इवेंट लाइक म्यूजिक, डांस, etc. डिसेमिनेशन थ्रू ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर को मतलब कि दिखाना, शोकेस करना ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के सहारे। ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल एंड फोक आर्ट, तो फोक आर्ट में ट्रेनिंग देना, ठीक है। इन द स्टेट्स फॉलिंग अंडर द हिमालयन रीजन, हिमालय रीजन के अंदर जो भी स्टेट आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
ये सब स्टेट के फोक आर्ट को प्रमोट करना, उनमें ट्रेनिंग देना और भी कई प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव द स्कीम इज टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वॉलंटरी बुद्धिस्ट तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं और वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब कि उनको कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इस सेक्टर में काम करना ही है। इंक्लूड मोनेस्ट्रीज इंगेज इन द प्रोपेगेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर एंड ट्रेडिशन इन द रिसर्च फील्ड। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, एक और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, ये लेह लद्दाख में है, ठीक है। और इसको पहले किस नाम से जाना था, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है जनवरी 2016 में। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि यूनिवर्सिटी बनने के काबिल है, मतलब यूनिवर्सिटी बना नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी बनना चाहता है, ठीक है। एक है नौ नालंदा महाविहार, ये बिहार में है, नौ नालंदा महाविहार। द नौ नालंदा महाविहार वाज एस्टेब्लिश 1951 इन नालंदा बिहार बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 1951 में नौ नालंदा महाविहार एस्टेब्लिश किया गया था। और इस द एएनएमबीज इंस्टीट्यूशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन पाली एंड बुद्धिज्म, तो पाली और बुद्धिज्म में जो है पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री इसके द्वारा दिया जाता है। एट प्रेजेंट नौ नालंदा महाविहार इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अकॉर्डेड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेट इन 2006। तो 2006 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, तो द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज सारनाथ वाराणसी में है। वाज एस्टेब्लिश 1967, 1967 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका मेन पर्पज़ क्या था, टू एजुकेट द यूथ ऑफ तिब्बत एंड इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ हिमालयन बॉर्डर एरिया। तो तिब्बत की यूथ को पढ़ाना, मतलब तिब्बत के लोग जो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं और हिमालयन बॉर्डर एरिया के जो स्टेट यहाँ पढ़ना चाह इंस्टीट्यूट जो हिमालयन बॉर्डर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए। इसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 1988 में, इसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला 1988 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज, द इंस्टीट्यूट अंडरटेक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल प्रोग्राम इन बुद्धिस्ट एंड हिमालयन स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट ASI के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, इसका स्थापना होता 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही आता है। और इसका मेन टारगेट क्या है, द मेजर एक्टिविटीज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन, आर्कियोलॉजिकल रिमेन का सर्वे करना, हमारे कंट्री में जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन उसका सर्वे करना, उसको एक्सेवेट करना, उसको बाहर निकालना, खुदाई करना। मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो एक लिस्ट बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसको बोलते हैं सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, उसको मेंटेन करना, कंजर्व करना। और केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स का केमिकली कंजर्व करना, ठीक है। आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का आर्किटेक्चरल सर्वे करना, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंट सर्वे वर्क करना इसका काम है। अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट इन रिमेन एक्ट 1958, तो एक एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन 1958 का। ASI है डिक्लेयर 3686 साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ASI में जो है 686 साइट को साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है, ठीक है। इसी 686 में से 21 जो है यूनेस्को के लिस्ट में है, हालांकि यूनेस्को के लिस्ट में टोटल 38 है, 30+7+1 है ना, 30 जो है कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है, ठीक है। तो इस 30 में मतलब कि इस लिस्ट में जो 686 का जो लिस्ट है इसमें से 21 जो है यूनेस्को के लिस्ट में भी है। 3 साइट नेमली कौन है, चंपानेर पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क इन गुजरात, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई एंड बृहदेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड हरिद्वार टेम्पल कॉम्प्लेक्स दारासुरम एज एक्सटेंशन ऑफ बृहदेश्वर कॉम्प्लेक्स तंजौर हैज बीन इंस्क्राइब्ड वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ 2004। तो इसमें से 3 जो है एक ही साल डिस्क्राइब हुआ था 2004 में, ठीक है। तो याद रखिए कि ASI के द्वारा एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसको बोलते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटीक्विटीज, एक नेशनल मिशन है मॉन्यूमेंट और एंटीक्विटीज को प्रिजर्व करने के लिए। इट प्रिपेयर नेशनल रजिस्टर ऑफ बिल्ट हेरिटेज साइट्स एंड एंटिक्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्टेट लेवल डाटाबेस ऑन बिल्ट हेरिटेज, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीक्विटीज का मतलब होता है पुराने ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि जो भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग एंटीक्विटीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताएगा कि नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटीक्विटीज इसका काम क्या है, तो इट प्रिपेयर नेशनल रजिस्टर फॉर बिल्ट हेरिटेज, तो जो हेरिटेज अभी बना हुआ है ना उनके साइट से रिलेटेड एंटीक्विटीज एंड सेटिंग ऑफ अ स्टेट लेवल डाटाबेस ऑन बिल्ट हेरिटेज। तो सेंट्रल लेवल पर रजिस्टर बनाता है और स्टेट लेवल पर भी एक डाटाबेस बनाता है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इन इट्स थर्ड पार्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट, NMMA हैज बीन मेड अ डिवीजन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो NMMA को मतलब कि नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटीक्विटीज को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट बना दिया गया है। एज पार्ट ऑफ द मैंडेट NMMA हैज पे टू नेशनल रजिस्टर, इसके तहत दो नेशनल रजिस्टर है, तो नेशनल रजिस्टर ऑन बिल्ट हेरिटेज एंड साइट एंड नेशनल रजिस्टर ऑन एंटीक्विटीज, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग रजिस्टर इसके पास। नेक्स्ट नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एक नेशनल मिशन है। तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट वाज लॉन्च इन 2003, तो इसको 2003 में लॉन्च किया गया था विद द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एज द नोडल एजेंसी फॉर रिक्लेम इंडियाज इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज कंटेन्ड इन द वास्ट ट्रेजर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो इंडिया का जो नॉलेज ट्रेजर है, ठीक है, इंडिया का जो नॉलेज ट्रेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स में है
उसको दोबारा से सर्च करने के लिए, मतलब कि क्या क्या उसमें है, उसको रिक्लेम करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की जिम्मेवारी दिया गया नेशनल मिशन फॉर मैनोस्क्रिप्ट का, ठीक है, 2003 में। मेजर एक्टिविटीज आर, इसके तहत क्या क्या एक्टिविटी होता है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैनोस्क्रिप्ट थ्रू सर्वे, तो सर्वे करके मैनोस्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव कंजर्वेशन, तो इसको कंजर्व करना, कंडक्टिंग ट्रेनिंग कोर्सेज एंड वर्कशॉप ऑन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है, डिजिटलाइजेशन करना, इस पर रिसर्च पब्लिश करना। नेशनल म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत 1960 में इसको बनाया गया था। इसका मेन एग्जीबिशन क्या, मेन एक्टिविटीज़ क्या है, तो एग्जीबिशन करना, रीऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ गैलरीज, एजुकेशन एक्टिविटीज़, पब्लिक रिलेशन पब्लिकेशन, है ना, ये सब इसका काम है। और समर हॉलीडे प्रोग्राम, ये सब नेशनल म्यूजियम का काम है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इसके तहत क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंदर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ साइंस सेंटर म्यूजियम इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में जितने भी मतलब कि साइंस म्यूजियम है उनमें सबसे बड़ा यह है। फंक्शनिंग अंदर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इट इज प्राइमरी एंगेज इन स्प्रेडिंग द कल्चर ऑफ साइंस, तो कल्चर ऑफ साइंस को स्प्रेड करने में इसका मेन रोल है। और इसका मोटो क्या है, तो कम्युनिकेटिंग साइंस टू एम्पावर पीपल, तो मतलब कि इसका जो टैगलाइन है या फिर मोटो जो है, कम्युनिकेटिंग साइंस टू एम्पावर पीपल, लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए साइंस से कम्युनिकेट करना। NCSM इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो NCSM जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, किस बात के लिए, तो साइंस सिटी स्कीम, साइंस सिटी स्कीम देश के डिफरेंट स्टेट में है ना, तो साइंस सिटी स्कीम के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के क्रम पे काम करता है NCSM। और डेवलपिंग न्यू साइंस सेंटर, नया साइंस सेंटर डेवलप करने के लिए काम करता है, तो साइंस यहाँ से पता चलता है कि साइंस सेंटर जो डिफरेंट सिटीज़ में है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। और NCSM में जो ओन नेटवर्क इन 25 साइंस म्यूजियम सेंटर हैज बीन डेवलप्ड इन 24 साइंस सेंटर, ठीक है, 24 स्टेट में ये फैला हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो इट इज़ एन यूनिक इंस्टीट्यूशन, तो एक इंस्टीट्यूशन है एंड इट्स यूनिक काइंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, तो और अपने तरह का दुनिया का इकलौता इंस्टीट्यूशन है। मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें आदमी के बारे में पढ़ा जाता है, बायो कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, इंडिया का जो बायो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो दुनिया में एकमात्र, अभी भी एकमात्र ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मतलब डेडिकेटली इसके लिए वर्क करता है। इसका काम क्या है, तो मैंडेटेड टू बायो कल्चरल एट्रीब्यूटिव ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट अबाउट 65 ईयर्स अगो, तो लगभग 65 साल पहले इसको बनाया गया था, और उस समय से ही इसका यही काम है कि बायो कल्चरल एक्टिविटी को पढ़ना इंडिया के पॉपुलेशन का। द एक्टिविटीज इंक्लूड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी एथनोग्राफिक मटेरियल एज वेल एज एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन रिमेन, तो कहीं भी यदि एंशियंट ह्यूमन का स्केलेटन मिलता है तो उसको कंजर्व किया जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसके द्वारा उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो NAI इज कस्टोडियन ऑफ नॉन करेंट रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुराना रिकॉर्ड है, नॉन करेंट रिकॉर्ड है, उसको कंजर्व करने का काम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का है। एंड होल्डिंग देम इन ट्रस्ट फॉर द यूज ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएटेड एंड यूजर एट लार्ज, इट फंक्शन एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993, तो 93 का एक एक्ट है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी है, मतलब इसी को जिम्मा दिया गया। मेकिंग पब्लिक रिकॉर्ड एक्सेसिबल टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी टू रिसर्च स्कॉलर, तो रिसर्च स्कॉलर के लिए यदि कोई गवर्नमेंट डाटा चाहिए तो इसी के द्वारा उसको दिया जाता है। इट्स मेजर एक्टिविटी इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक रिकॉर्ड एक्सेसिबल टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स एंड आउटलाइन सर्च पोर्टल www.abhilekhpatel.com इसको बनाया गया abhilekhpatel.in इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इट आल्सो रेंडर्स टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड के कंजर्वेशन में डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कंडक्टिंग ऑफ साइंस इन्वेस्टिगेशन फॉर द स्टेट पर्पस, ठीक है, तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका ये काम है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का। हम नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जान लेते हैं, तो द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में एस्टेब्लिश किया था 1948 में, एंजॉय द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। इसका फंक्शन क्या है, एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट प्रिंटेड मटेरियल एज वेल एज मैनुस्क्रिप्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो मैनुस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, कंजर्व करने का, जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का, जो रिटेन रिकॉर्ड कोई भी प्रिंटेड मटेरियल ऐसा लगता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो उसको नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया जाता है जो कलकत्ता में है। कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल कंसर्निंग द कंट्री नो मैटर वेयर इट इज पब्लिश्ड, तो कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, जो कंट्री से रिलेटेड जितने भी प्रिंटेड मटेरियल हैं, जितने भी यदि कोई प्रिंटेड पेपर पे कुछ है, डाटा है, तो उसको इस यहीं पर रखा जाता है, कहीं भी उसको पब्लिश किया गया हो लेकिन उसको रखा यहीं पर जाता है। रेंडरिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिकल एंड डॉक्यूमेंट्री सर्विस ऑफ करेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्वेस्टिंग द फॉलोइंग स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये स्कीम लाया जाता है। सबसे पहले परफॉर्मिंग आर्ट ग्रांट स्कीम,
इसके तहत क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट ग्रांट स्कीम के तहत अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइड। ग्रांट का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है। तो इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है किसको, तो ड्रामेटिक ग्रुप, थिएटर ग्रुप, म्यूजिक एंसेंबल, चिल्ड्रन थिएटर, इसको, ठीक है। स्कीम फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद नेशनल प्रेजेंस, इसके तहत क्या किया जाता है, टू प्रमोट एंड सपोर्ट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विथ नेशनल प्रेजेंस इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो मतलब कि प्रमोट करना, सपोर्ट करना किसको, तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को जो राष्ट्र भर में, पूरे देश भर में प्रेजेंट है, और वो काम कैसा करते हैं, इन प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर थ्रू आउट द कंट्री, जो पूरे देश में आर्ट और कल्चर का स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट, स्कीम फॉर बिल्डिंग ग्रांट्स, स्कीम फॉर बिल्डिंग ग्रांट्स के तहत क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू सपोर्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एडेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑगमेंट देयर एफर्ट टू क्रिएट कल्चरल स्पेस। मतलब कि यदि कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्वेच्छा से यदि कल्चर के क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है जो काम करना चाहता है कल्चर के फील्ड में, किस तरह का काम, तो ऑडिटोरियम बनवाना और उसके बाद ट्रेनिंग देना, इस मामले में रिहर्सल करवाना, परफॉर्मेंस करवाना, तो उसके लिए इसको पैसा दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेज स्कीम, तो इसके तहत क्या है, अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग ऑफ न्यू कल्चरल कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है। तो नए कल्चरल कॉम्प्लेक्स या फिर पुराने वाले को मॉडर्नाइज करने के लिए इसमें पैसा दिया जाता है। इसके तहत रिनोवेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैगोर ऑडिटोरियम देर वर बिल्ट इन 1960, तो लगभग जितने भी बड़े शहर है वहाँ पे एक टैगोर ऑडिटोरियम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर मतलब उसका नाम या तो टैगोर के नाम पे रहेगा या फिर रविंद्र करके रहेगा, मतलब कि रविंद्र टैगोर से रिलेटेड एक बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। 1960 से 70 के बीच में देश के विभिन्न शहरों में इसको खोला गया था, ठीक है। और 1960 में खोलने का क्या पर्पज़ था, दोस्तों बर्थ सेनेटरी, मतलब उनके बर्थ का 100 साल पूरा होने वाला था उस समय, इसीलिए उनको उस समय खोला गया था, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए स्कीम सेटअप किया गया। नेक्स्ट, टूरिज्म के बारे में देख लेते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द नोडल एजेंसी टू फॉर्मुलेट नेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए एक मिनिस्ट्री है इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अभी इसके मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। मिनिस्ट्री इज अकॉर्डिंग प्रायोरिटी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री का काम क्या है, तो टूरिज्म को काफ़ी डेवलप करना, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, चहुमुखी विकास करना, ठीक है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड करना ताकि दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पे देखना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अम्यूनिटीज वगैरह प्रोवाइड करना। एज पर स्टेप इन दिस डायरेक्शन इट इज अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम, तो टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके तहत क्या है कि किसी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई इंडिविजुअल आकर के किसी मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करे तो उसको मॉन्यूमेंट मित्रा बोलेंगे, ठीक है, उसको मॉन्यूमेंट मित्र बोलेंगे, और वहाँ पे वो फैसिलिटी डेवलप करे। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स ड्यूरिंग 2018 में 10.65 मिलियन विथ अ ग्रोथ ऑफ 5.2%। तो 2018 में फॉरेन टूरिस्ट का संख्या 10.56% था, जो पुराने वाले से, मतलब कि इसके पहले वाले डाटा से 5% ज़्यादा था, ठीक है। ई वीज़ा फैसिलिटी के बारे में देख लेते हैं, तो ई वीज़ा का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली वीज़ा क्या होता है, तो हमारे देश में जब कोई आता है तो एक परमिशन लेना पड़ता है, उसको हम लोग वीज़ा बोलते हैं। मतलब किसी भी देश में यदि दूसरे कंट्री का नागरिक जाता है तो उसको एक परमिशन लेना पड़ता है उस देश के नागरिक से, ठीक है, उस देश के गवर्नमेंट से, सॉरी, तो उसको वीज़ा लेना पड़ता है। तो वीज़ा एक तरह का परमिशन है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो ई वीज़ा का मतलब क्या हुआ कि फिजिकली वहाँ की एम्बेसी में ना जाकर के ऑनलाइन अप्लाई किया जाए और ऑनलाइन उसको वीज़ा दे दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ई वीज़ा। तो इससे क्या होता है, तो बहुत लोग जैसे एम्बेसी तो किसी किसी प्रॉपर सिटी में ही होता है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का एम्बेसी बांग्लादेश में देखा जाए तो सिर्फ ढाका में है, लेकिन यदि कोई बांग्लादेश के दूसरे सिटी में रहने वाला आदमी, मान लीजिए कि बांग्लादेश के मीरपुर में कोई रह रहा है, मीरपुर बांग्लादेश का शहर है, उसको ढाका जाना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में, वहाँ से वीज़ा मांगेगा इंडियन एम्बेसी से कि हम आपके देश में जाना चाहते हैं, तो इंडियन एम्बेसी फिर वीज़ा इसको देगा, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। सबसे बड़ी बात तो इसको मीरपुर से ढाका जाना पड़ेगा, लेकिन ई वीज़ा फैसिलिटी में क्या होता है, मीरपुर में घर बैठे अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन इसको वीज़ा मिल भी जाएगा, है ना। एज इन दिसंबर 2018 ई वीज़ा फैसिलिटी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द नेशनल्स ऑफ 167 कंट्री, तो दुनिया में 167 कंट्रीज़ को इंडिया ई वीज़ा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ई वीज़ा कई तरह का होता है, जैसे ई टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, हर वीज़ा के आगे ई लगा दिया जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड 2.4 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइव्ड इन टूरिस्ट वीज़ा, तो ई वीज़ा पे लगभग जो है 2.4 मिलियन पीपल इंडिया में आए, ठीक है। तो टोटल आए थे लगभग 10 मिलियन के आसपास, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 10.56 मिलियन, उसमें से 2.4% तो ई वीज़ा से आए हैं। अब नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड, तो इसके तहत क्या है, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, तो इंडिया मेडिकल टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। मेडिकल टूरिज्म क्या हुआ, मतलब इंडिया में आइए और आप यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाइए, आप अपने जो भी आपका बीमारी है उसका इलाज करवाइए, घूमिए फिरिए और अच्छे होकर जाइए, ठीक है। तो उसी को, मतलब इंडिया में मेडिकल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है और
यहाँ तो मतलब कि इंडिया के जितने भी टॉप लेवल के हॉस्पिटल हैं, खास करके एम्स हो गया या फिर जो भी दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जाइए तो बहुत सारे विदेशी लोग आपको ट्रीटमेंट करवाते हुए मिलेंगे। इसके कई रीज़न है, क्योंकि बाहर में भी इंडिया के डॉक्टर, जैसे यूएसए में बहुत सारे डॉक्टर इंडियन ही है, ठीक है, तो इंडियन डॉक्टर जो थे काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। दूसरा, यदि वो अपने देश में उसी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है और इंडिया उनके मुकाबले सस्ता पड़ता है, इसलिए इंडिया में आकर को लोग इलाज करवाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा अभी डेवलप है, तो इसी के तहत देखते हुए एक मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, जो उस और पार्टिकुलरली उस क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, तो इनक्रेडिबल इंडिया एक्चुअली हमारे कंट्री के टूरिज्म मिनिस्टर का टैगलाइन ही है। द मिनिस्ट्री एज पार्ट ऑन गोइंग प्रमोशनल एक्टिविटीज रिलीज कैंपेन इन द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट। तो इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के नाम से जो है डिफरेंट तरह का कैंपेन लॉन्च किया जाता है इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में देखते हैं, इसके तहत क्या है, तो स्वदेश दर्शन स्कीम है जो विजन टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट, इसके तहत थीम बेस्ड टूरिस्ट डेवलप किया जाता है। थीम बेस्ड मतलब कि किसी पार्टिकुलर थीम पे बेस्ड होता है, जैसे रामायण सर्किट, तो कम्प्लीटली रामायण पे बेस्ड होगा, तो रामायण से इंपॉर्टेंट जो जो जगह वहाँ इसको घुमाया जाएगा, है ना, जैसे अयोध्या हो गया, फिर चित्रकूट हो गया, बक्सर हो गया, ठीक है। तो इसके तहत देखते हैं, जैसे थीम बेस्ड इसके तहत है ना, एक किसी पार्टिकुलर थीम पे इसमें टूरिज्म दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या थीम है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, इसमें कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को दिखाया जाएगा। बुद्धिस्ट सर्किट, इसमें बुद्ध से रिलेटेड जितने भी हैं उसको दिखाया जाएगा। हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट और हेरिटेज सर्किट, है ना, इतने तरह के सर्किट इसके तहत है। नेक्स्ट है प्रसाद स्कीम के बारे में, इसके तहत क्या, तो 25 सिटी को जो है चूज किया गया, 25 कैसे सिटी को जो रिलीजियसली सिग्निफिकेंस है, ठीक है, रिलीजियसली सिग्निफिकेंस है, उनको डेवलपमेंट किया जाएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में बुद्ध से रिलेटेड है, अमृतसर सिख से रिलेटेड, अजमेर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों से रिलेटेड है, है ना। यहाँ पे एक पुष्कर मेला लगता है भगवान ब्रह्मा से रिलेटेड, और यहाँ पे एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानकाह है, तो वहाँ पे सॉरी दरगाह है, वहाँ पे कई लोग जाते हैं। तो अजमेर जो है हिंदू से रिलेटेड भगवान पुष्कर का, है ना, भगवान सॉरी ब्रह्मा का पुष्कर मेला, अयोध्या, उसके बाद फिर बद्रीनाथ, द्वारिका, देवगढ़, झारखंड में जो है बाबाधाम जिसको बोला जाता है, भगवान शंकर का मंदिर वहाँ, उसके बाद बेलूर, बेलूर मठ है ना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा सेटअप किया गया था, गया बिहार बुद्धिस्ट रिलेटेड, और उसके बाद फिर गुरुवायूर केरला में, यहाँ पर काफ़ी फेमस टेम्पल है। उसके बाद हजरतबल जम्मू एंड कश्मीर, कामाख्या आसाम, कांचीपुरम तमिलनाडु में, कटरा जम्मू एंड कश्मीर, वैष्णो देवी जो जाते हैं सब लोग, केदारनाथ मथुरा यूपी, पटना बिहार, पूरी उड़ीसा, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सोमनाथ गुजरात, तिरुपति आंध्र प्रदेश, त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र, उज्जैन वाराणसी एंड वेलंकली तमिलनाडु। तो देख सकते हैं कि इसमें 25 सिटी ऐसे हैं, 25 सिटी जो रिलीजियसली सिग्निफिकेंस रखते थे उनको यहाँ पे चूज किया गया, उनको डेवलप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया टूरिज्म मार्ट के बारे में, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया टूरिज्म मार्ट 2018 ऑर्गेनाइज बाय द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन द इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटलिटी इन द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की मदद से और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से मदद से ए टूरिज्म मार्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था 2018 में, और इसके तहत क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड ए नेशनल प्लेटफॉर्म टू डिफरेंट टूरिज्म स्टेक होल्डर फॉर इंटरेक्टिंग फॉरन बायर्स अंडर वन अम्ब्रेला। तो इसके तहत जैसे आम आदमी के लिए मेला, मतलब कि ये मार्ट जो था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये आम आदमी के लिए एक तरह से नहीं था, क्योंकि इसमें वे लोग थे जो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री मतलब या तो उनका होटल है, या फिर वो बस चलाते हैं, या फिर किसी बड़े टूरिस्ट साइट के आसपास उनका कोई कंपनी है गाइड का, है ना, मतलब किसी तरीके से टूरिस्ट लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते, तो ऐसे लोगों के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप। स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप के तहत क्या है, तो ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो याद रखिए, स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर के तहत नहीं, बल्कि टूरिज्म मिनिस्ट्री का है, ठीक है। और 25 आदर्श स्मारक मोनूमेंट पे इसको लॉन्च किया गया, ऑपरेट किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है लॉन्च एन इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग प्री लोडेड सिम कार्ड टू फॉरेन टूरिस्ट अराइविंग इन इंडिया ऑन ई वीज़ा। इसके तहत क्या होगा, तो जो ई वीज़ा पे इंडिया में आएंगे उनको एक सिम कार्ड, मतलब कि पहले से एक सिम कार्ड उनके लिए रेडी रखा जाएगा एक, और उनके मोबाइल हैंडसेट में उनको लगा उस सिम को लगाया जाएगा। दिस इनिशिएटिव है लॉन्च इन 2017 इन एसोसिएशन विद भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। वेयर BSNL वुड डिस्ट्रीब्यूट प्री लोडेड सिम कार्ड टू फॉरन टूरिस्ट ऑन ई वीज़ा। तो ई वीज़ा पे से जो आएंगे उनको BSNL अपना एक सिम देगा और जाते समय उनसे वो सिम ले लेगा, है ना। इससे क्या होगा, टूरिस्ट लोगों को बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे नॉर्मली टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम में झेलना पड़ता है कि यहाँ पे, क्योंकि उनके मतलब कि उनका फ़ोन में नेटवर्क तो रहता नहीं है ना, तो या तो उनको पब्लिक वाईफाई पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इंडिया तो विदेशों में तो जाने पर पब्लिक वाईफाई लगभग हर जगह है, है ना, वहाँ नॉर्मली रोड पे पब्लिक वाईफाई हुआ करता है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा फैसिलिटी नहीं है। तो इसको जो है 25 जगह पे ऐसा लॉन्च किया गया है अभी
2017 में ही लॉन्च किया गया था इसको। द इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू फॉरेन टूरिस्ट टू इनेबल देम टू स्टे इन टच विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हेल्प इन देम टू कॉन्टैक्ट विद 24x7 मल्टीलिंगुअल टोल फ्री हेल्पलाइन। ठीक है, इसके तहत मतलब कि मल्टीलिंगुअल टोल फ्री हेल्पलाइन सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर एनी असिस्टेंस एंड गाइडेंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस मेडिकल इमरजेंसी। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी इसको हेल्प करता है, मतलब कि यदि उस टूरिस्ट को किसी तरह का इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट से ये हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये फिफ्थ चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।